बात है, आज मेरा बेटा इतनी देर तक सोता रहा। वो कल रात को नींद से इतना नहीं आया ना, इसलिए। आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? आज तो संडे है, कहीं जा रहे हैं क्या? सुबह सुबह 12 बज गए मैडम। वैसे शर्ट अच्छी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा तो लग रहा है, खुशी तो देखो चेहरे से नजर आ रही है। समाहिर को शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं। और उमेर, आपने सिर्फ समाहिर को शॉपिंग करानी है, हवाओं पे मत उड़ना शुरू हो जाना। खाला आप भी ना। एक मिनट, आप समायर भाभी को शॉपिंग पे लेकर जा रहे हैं? हाँ शिफा, मैंने सोचा कि शादी में दिन ही कितने रह गए, तो आज ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं। आप उनको ब्राइडल ड्रेस के लिए लेकर जा रहे हैं? उमेर भाई, आपने कहा था कि उनका ब्राइडल ड्रेस जो होगा वो मेरी चॉइस का होगा। देखो, हमने सोचा कि जिसे पहनना है उसकी पसंद का हो तो ज्यादा अच्छी बात है ना। और वैसे भी अभी समायर की हमें बहुत शॉपिंग करनी है, बाकी ड्रेसेस तुम पसंद कर लेना। बाकी की ड्रेसेस भी उनकी पसंद से ले लें, पहने तो उन्होंने ही है ना। शिफा बेटा, मैं देखती हूँ। क्या बात है शफा? कुछ नहीं, नाश्ता नहीं करना? मुझे भूख नहीं है बेटा। सरवत खाला देखे ना, उमेर भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि समायर भाभी का ब्राइडल ड्रेस मेरी चॉइस का होगा, उनके साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं आप। बस इतनी सी बात भाई, जिसे जोड़ा पहनना है उसी की पसंद का होना चाहिए ना। मुझे खामखा की जस्टिफिकेशंस ना दे बेटा। मैंने ही उसे कहा था कि समाहिर के साथ चला जाए, उमेर तो राजी भी नहीं था। वो कहता शिफा के साथ जाके उसकी पसंद की चीजें खरीदेंगे। वाकी? हाँ। अच्छा चलो उठो, नाश्ता करते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। अरे उठो ना, चलो। अच्छा शाबाश मेरा बच्चा, चल। थैंक यू। उमेर, समाहिर ने फिर कैसा ब्राइडल ड्रेस पसंद किया? कैटलॉग ले आते तो हम लोग भी देख लेते। ना पूछे खाला, कैटलॉग लेने का चांस ही नहीं मिला। एक्चुअली मेरे ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, उसी टेंशन में पूरा दिन फोन बजता रहा है। प्लीज मेरा लैपटॉप ला दो। उमेर, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं खाला, थैंकफुली कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स काफी डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए जो भी पहला ड्रेस नजर आया वो ओके कर दिया हमने। अच्छा, तुम थके हुए लग रहे हो, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। जी खाला, प्लीज कुछ खाने के लिए भी ला दीजिएगा। अच्छा थैंक यू। आपने कहा था कि समायर भाभी का शादी की ड्रेस मेरी पसंद का होगा। बेटा कोई बात नहीं, अगर समायर ने पसंद कर लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी शादी का ड्रेस मेरी चॉइस का होगा और मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। ठीक है बाबा, जो आप कहोगे वही होगा। जी गफार साहब, जी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास है बैकअप फाइल। जी जी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको ईमेल कर। ओके। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उमेर ने पूरी रात डॉल ढूंढी और पता है मिली कहाँ से? कहाँ से? बेड के नीचे से। वो मैंने शेरवानी पसंद कर ली, उसके साथ जूते कौन से अच्छे लगे? भाई भाई भाई, वही वाली शेरवानी ना जो मैंने पसंद की थी। नहीं दूसरी है। लेकिन क्यों? अरे समझा करो ना, समाहिर की पसंद की है। अच्छा तुम क्या कह रहे थे? खाला मैं कह रहा था बूट्स अच्छे रहेंगे खुद से। ऐसे करो दोनों चीजें ट्राई करके देख लो, अगर बूट्स अच्छे लग रहे हैं तो वो ले लो, नहीं तो खुद से ले लेना। आई थिंक बूट्स में ज्यादा कंफर्टेबल। ये वो
समाहिर की शादी का कार्ड है। वो शाम को आलिया और तारिक आए थे, काफी देर आपका इंतजार करते रहे, वो बस ये कार्ड छोड़ गए थे। सुनिए जी, आप जरा सी बात को क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? समाहिर बच्ची है, अगर आप तो बड़ेपन का मजाहरा करें, दुनिया को तमाशा क्यों दिखा रहे हैं? ये टुकड़े समेट कर तारिक को भिजवा देना और उसे बता देना कि आज के बाद मेरा और मेरे बीवी बच्चों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और तुम भी कान खोल के सुन लो, हमारे यहां से न कोई तारिक के घर जाएगा और न ही उसकी बेटी की शादी में शरीक होगा। आज के बाद हम उसके लिए और वो हमारे लिए मर गया। आप तो हर दफा इतना परेशान हो जाती हैं कि मैं आपको समझा नहीं पाता। कोई ना कोई हल तो होगा मसले का, सोच लेंगे, कर लेंगे। क्या हो गया? आप अरे भाई, अब्बा का कल रात एक नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि ना वो खुद समाहिर की शादी में जाएंगे और ना ही हमें जाने की इजाजत है, और ये कि तारिक चाचा की फैमिली से भी कोई मेल जोल नहीं रखा जाएगा। क्या? तो उसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो पहले ही मालूम था कि अब्बा ऐसा ही कोई अनोखा शोशा छोड़ेंगे। नहीं, मालूम तो मुझे भी था, लेकिन भाई हम तो काम में लगे हुए थे, अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। ऐसे कोई माने या ना माने, लेकिन हम सब मिलकर अब्बा जी को ही गलत ठहरा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि समाज ने भी मामले को कोई ठीक से हैंडल नहीं किया। और अच्छी तरह से कैसे हैंडल करते हैं भाई? मैं तो कहता हूँ समाज ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, कम अज कम अपने दिल की तो सुनी। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, उसने अपने दिल की सुनी बिल्कुल ठीक किया, लेकिन कम से कम तंबल से तो काम ले सकती थी। अरे छोड़ो यार, अब्बा को हम सब जानते हैं कितने जिद्दी हैं वो। और सुनो, समाहिर से शादी का सुनकर डर तो तुम भी गए थे, नहीं? हाँ, थोड़ा सा डर गया था मैं, लेकिन कम से कम अब्बा जी के सामने जाके खड़ा तो नहीं हो गया था। तुम देखना, मैं इस घर में रहते हुए सबीन से शादी करके दिखाऊंगा और इस मामले को इस तरह से हैंडल करूंगा कि अब्बा जी खुद मेरा रिश्ता लेके खाना के पास जाएंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरी बच्ची दूर चली गई मुझसे। ओहो अम्मा, आप तो उदास होना छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ले जाऊंगा आपको उससे मिलवाने। तुम हरगिज ये बेवकूफी नहीं करोगे, समझो तुम? अब्बा जी का गुस्सा भी ठंडा होने दो, ऐसा ना उनको कोई ऐसी वैसी बात पता चले, फिर उनका जूता होगा तुम्हारा सर। और आते ही क्या उन्हें जूता और सर, यही करते रहे सारी उम्र। क्या हुआ, जब से आई चुप बैठी हो, क्या मसला है? उमेर भाई अपनी शेरवानी जो है वो भाभी की पसंद के लिए रहे हैं। फिर क्या, कम से कम शेरवानी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। ओ गॉड, अब समझ में आया, इसीलिए तुम्हारा इतनी देर से मूड ऑफ है। हाँ तो बात ही ऐसी है समर, मूड ऑफ होगा ना। देखो शिफा, अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों को फील करने लगोगी ना, तो बस फिर हर वक्त तुम्हारा मूड ऑफ ही रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी भाई को ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, मतलब अगर हरम होती ना तो वो भी यही कहती। अच्छा तो ठीक है, तुम जाके हरम से ही बात कर लो, अगर तुम थोड़ी सी भी अपनी अकल इस्तेमाल करो ना तो इन सारी प्रॉब्लम से बच जाओ। उनसे तो बात करना ही फजूल है, हर वक्त साबित करती रहती हो कि मेरे अंदर अकल की कमी है। तो नहीं है अकल कम तुम में? से गलती हो गई कि तुमसे बात करने आ गई। हाँ तो कहा ना, जाओ जाके उस हरम से ही बात करो। हाँ हाँ जा रही हूँ, कम से कम वो मेरी मदद तो करेगी, तुम्हारी तरह तो नहीं है हर बात में मुझे गलत कहती। अरे रुको, मैं मजाक कर रही थी शिफा। तो फिर हरम मैं क्या करूं, प्लीज कुछ बताओ। देख लो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, भाभी अभी घर पे आई नहीं और अभी से अपना हुक्म चला रही हैं। कल को जब घर में आएंगी ना तो फिर देखना क्या क्या करेंगी। अभी कपड़े उनकी पसंद के आया था, कल को घर का सारा सामान उनकी पसंद से आएगा। फिर क्या करोगी तुम?
वैसे तुम्हें उन्हीं के पास अच्छे कपड़े और जूते भी पहने पड़ेंगे, तब तुमसे पूछूंगी। खैर अब इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि मुझे उनकी पसंद के कपड़े पहनने पड़ेंगे। यही अहद कर लो कि कोई भी चीज उनकी पसंद से ना लोगी और ना घर में उनकी चलने दोगी। इसी तरह तुम आगे जाके सुकून से रहोगी। लेकिन समर ने तो कहा था कि अगर मैं भाभी के बारे में अभी से बुरे गुमान रखूंगी तो आगे जाके भी बहुत बुरा होगा। ठीक है फिर समर से ये एडवाइस लो, मुझे कॉल क्यों की है? अच्छा ना सॉरी, नाराज क्यों होती हो? देखो शिफा मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। समर एक डिफरेंट नेचर रखती है, वो सिर्फ एक भाभी झेल रही है और मैं चार चार भुगत रही हूँ। मुझसे बेहतर एडवाइस तुम्हें कोई नहीं दे सकता। बस यूँ समझ लो कि भाभियों की साइकोलॉजी पे PhD किया हुआ है, इसलिए मुझ पे पूरा भरोसा रखो, तुम्हें कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगी। देखो वैसे तो सारी भाभियाँ 19-20 के फर्क से एक जैसी होती है, लेकिन तुम्हारी भाभी को एक बार देख लेती ना तो तुम्हें सही से गाइड कर सकती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। हाँ तो परसों मेहंदी का फंक्शन है ना, तुम आ जाना। ऐसे कैसे आ जाओ बिना बुलाए? वैसे भी बिना बुलाए आना ना मुनासिब नहीं लगता। तुमने ना मुझे सिर्फ बली में भी इनवाइट किया है और समर को तीनों फंक्शंस में इनवाइट किया। हाँ तो समर तो मेरे साथ वाले घर में रहती है ना, और फिर उसके साथ फैमिली टर्म से बहुत पुरानी है, इसीलिए उसको तीनों दिन इनवाइट किया। और फिर गेस्ट बहुत ज्यादा भी हो गए थे, इसलिए मेयर भाई ने कहा कि कम लोगों को बुलाओ। तुम आ जाओ ना, एक आध अगर गेस्ट ज्यादा आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? देख लो ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊँ और तुम्हारी भाभी के घर वाले इतराज करें। वैसे तो तुम लोग लड़के वाले हो, 10 गेस्ट भी एक्स्ट्रा ले जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तुम्हें मैं इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है? तुम किसी से ना डरो, कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो उससे मैं संभालूंगी। अच्छा ठीक है आ जाऊंगी, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो। वैसे तो मुझे मेरे कजन के साथ जाना था, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम्हारी हेल्प करना भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है फिर मिलते हैं। अच्छा ख्याल रखना अपना, बाय। जी मामा। बेटा मेरी अभी सलीमा आपस से बात हुई है, वो कह रही है कि भाई साहब ने शादी में शिरकत करने से इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि यहाँ से कोई और भी नहीं जाएगा। तुम्हारे पापा को इसी बात का डर था कि भाई साहब कोई ना कोई ऐसा स्टेप जरूर उठाए। ताया वो भी बहुत ही जिद्दी इंसान है। तुम ऐसा करो बेटा कि तुम मेहंदी लगवा लो फिर उनकी तरफ चलते हैं, शायद तुम्हें देखकर उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। आप उन्हें नहीं जानती मामा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनका गुस्सा भले ही उतर गया हो लेकिन की नाराजगी नहीं दूर होगी। और वैसे भी अगर उन्हें मेरी शक्ल देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है तो मुझे भी वहां जाने का कोई खास शौक नहीं। समाहिर यहाँ क्यों लाई हो? समर कहाँ है, क्यों नहीं आई? उसकी नानी बीमार हो गई थी इसलिए उसको वापस जाना था। ओह अच्छा सुनो, जरा पहले नहीं इनवाइट कर सकती थी? कपड़े देखो मेरे, जरा भी ढंग की नहीं लग रही। क्यों, अच्छे तो हैं कपड़े? तुम्हारे मुकाबले में बिल्कुल अच्छे नहीं है। खैर लेकिन तुम दूल्हे की बहन हो तो स्पेशल तो दिखना है। क्यों, दूल्हे की बहन में सुरखाब के पड़ लगे होते हैं? जी बिल्कुल यही समझ लो।
वैसे जब तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा ना, और दुल्हन की माँ और बहन जब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी ना, फिर पूछूंगी तुमसे। अच्छा हाँ, ये तुम्हारी सरद खाला तुम्हें शायद ढूंढ रही है। हाँ मैं आती हूँ। बस पे तो हो ही जाती है आजकल, आपको पता है। जी खाला, ये है शफा, और शफा ये समाहर की मामा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये समाहर की सिस्टर है रमला। अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम्हारा मैंने समाहिर से बहुत जिक्र सुना था, तुमसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मुझे भी। रमला जाओ बेटा, शिफा को समाहिर के पास लेके जाओ। प्यारी लग रही हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो समाहिर बहुत प्यारी लग रही है। आप ही, ये शिफा है, वो मेरे भाई की बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शिफा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन सच कहो जितना सुना है ना उससे कहीं ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, आप बैठो ना। की बहन हो, जब तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा ना, और दुल्हन की माँ और बहन जब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी ना, फिर पूछूंगी तुमसे। क्या हुआ? मुझे तो लगा तुम्हें क्लू लग गया था, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार समायर भाभी और उनकी बहन इतनी मजे की बातें करती है, इतनी फनी है वो लोग यार, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई थी कसम से। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे सामने तो था, मैं उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो हाथ पकड़ के मुझे वापस बार में बिठाई जा रही थी। हाँ उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें बिठा दिया, तुम बैठ गई। सब देख रही थी मैं कैसे पास बिठा के तुम्हें इग्नोर कर रही थी। मुझे इग्नोर कर रही थी? जी। नहीं तू? क्यों तुमने नहीं देखा, तुम्हें पास बिठा कर अपनी खाला से बातें कर रही थी, जबकि उन्हें सारा वक्त तुम्हें देना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम इकलौती नंद हो, इतना प्रोटोकॉल तो देना चाहिए था ना। और वैसे तुम्हें क्या जरूरत है उनकी तारीफ करने की, आप भी बहुत प्यारी हैं। हाँ तुम, वो मेरी तारीफ कर रही थी तो जरूरी था कि तुम भी जवाब में तारीफ करती। तो फिर? बेवकूफ हो तुम, ये सब कुछ करके आई हो ना, साबित कर चुकी हो कि तुम्हें तारीफ से काबू किया जा सकता है। शिफा क्या क्या समझाऊं तुम्हें मैं, कुछ समझ में आ रहा है? एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी भाभी हैं खूबसूरत, है ना? और उमेर भाई के साथ कितनी अच्छी लग रही है। हो लो खुश, जब तुम्हें टफ टाइम देगी ना फिर पूछूंगी तुमसे। इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं मैंने तो नहीं सोचा। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि भाभी बहुत खतरनाक चीज होती है, और इत्तेफाक से अगर खूबसूरत निकल रहा है तो भाई किसी काम का नहीं रहता। वैसे मैं हैरान हूँ, तुम्हारी भाभी के बारे में जितने भी अंदाजे लगाए थे ना सही साबित हुए। अच्छा
मसलन कौन से अंदाज है? यही कि खूबसूरत होगी, शक्ल से तेज दिखती होगी। शिफा, मैं तुम्हारे बारे में ना बहुत परेशान हूँ। हरम, अब मैं क्या करूँ? बस मैं जो कहती हूँ ना चुपचाप करती रहो। अगर मेरी बात मानोगी ना तो तुमसे तुम्हारा भाई कोई नहीं छीन सकता। सुनो, एक काम करो, जाकर इन दोनों के बीच में बैठ जाओ। लेकिन क्यों? ओफो शिफा, एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। देखो, अगर तुम भाई और भाभी के बीच में जाके बैठ जाओगी ना, तुम्हारे भाभी को एहसास हो जाएगा कि तुम हमेशा इन दोनों के बीच में रहोगी, और ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई की जिंदगी में तुम्हारी कितनी इम्पोर्टेंस है। वो तो ठीक है हरम, लेकिन अब इस तरह उन दोनों के दरमियान बैठना मुनासिब नहीं लगता ना। ओके, मत मानो, मर्जी है तुम्हारी। यार अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो ठीक ही होगा ना। अच्छा ना, खाना तो खाने दो, उसके बाद चली जाऊंगी। और सुनो, जाके तारीफ मत करने लग जाना भाभी की। Excuse me, एक मिनट, मैं भी आओ। शिफा आओ ना। Thank you. मैं भाई कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, ये कोई पूछने वाली बात है? भाभी भी अच्छी लग रही है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या बात है अम्मा, किसको फोन कर रही है? समाहिर से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, मगर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा लाए, मुझे दे, मैं ट्राई करता हूँ। आइए। समाहिर मैडम। अरे कोई है इस घर में जो मुझे पानी पिला दे? जी अभी लाई। रहने दो बस। सारी उम्र डरती रहिएगा, खुद उनके सीने में तो पत्थर का दिल है। इसका माँ पे तो बंद न लगाते। फोन तुम ला लिए। क्या करूं मैं अम्मा का? सगे बाप के पास, उसे कहो कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा दे। एक बार अगर तुम इस घर से चली गई तो समझ लेना मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया। अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से नाश्ता बना दें, पहले बहुत लेट हो गया हूँ। वालेकुम सलाम।
क्या हुआ आपको? आज तुम बहुत जल्दी उठ गए। जी वो आज आखिरी शो है। और ये रो क्यों रही है? आज समायर की बारात है। तो मैं उसे दुल्हन बना नहीं देख सकूंगी और बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत भी नहीं कर सकूंगी। कैसी बदकिस्मत हूं मैं। अम्मा या तो प्लीज अब्बा के सामने स्टैंड ले और समायर की शादी में शरीक हो जाए, या फिर प्लीज ये रोना धोना बंद करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाती हूँ, नाश्ता कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता, जा रहा हूँ। अरे तके नाश्ता तो करके जाओ। अच्छा हुआ है ना? तो तुमने फाइनली तकी को राजी कर लिया? हाँ या बहुत टैलेंटेड है ये लड़का, देखना बहुत तरक्की करेगा। बस 15 मिनट्स में हम निकल रहे हैं। हेलो जी, बस आ रहे हैं। सुखी रहो, अल्लाह इतनी खुशियां दिखाए तुम्हें, हम का मतलब भी याद ना रहे। भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा यहाँ पे आके आप लोग से बातें कर लूं। स्ट्रेंज कि मेरे अलावा भी किसी को नींद नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, भाभी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी मुझे। भाभी आपको पता है आप लोगों की शादी होने से पहले मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि इनकी शादी हो जाए और हमारे घर में एक न्यू फैमिली मेंबर का इजाफा हो जाए। बहुत एक्साइटेड थी, मैं तुम्हें बताया तो था। भाई याद है हम कितनी औरतों के पास गए थे रिश्ता लेने? पर मैं गई थी टेक्निकली।
आपको याद है? आपको अच्छा शिफा, रात बहुत हो गई है, कल वलीमा है, सुबह उठना है, तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी तो पूरा दिन चकराती फिरोगी। तो वलीमा तो रात में है ना, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। नहीं शिफा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। अच्छा अच्छा भाई, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट शिफा। गुड नाइट भाई। गुड नाइट शिफा। जी जनाब, आप बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? हमारे मिजाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लगता है आपको नींद बहुत आ रही है। शिफा भी ना, तुम मुझसे कहती थी मैं तुमसे क्यों नहीं मिलवाता, वो इसलिए नहीं मिलवाता था क्योंकि मुझे पता था जब वो तुम्हें मिलेगी बोल बोल के कान खा जाएगी तुम्हारे। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन लगता है आप जरूर थक गए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। समाया, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम शौकत खान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, जीती रहो। थैंक यू। तैयार हो गई हो तो नीचे आ जाओ, तुम्हारी मामा और बहन आई है नाश्ता लेकर। मामा आ गई? हाँ बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। आ जाओ। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। थैंक यू। आप लोग बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है शिफा, आज इतनी देर लगा दी? जी खाला, कल रात को मैं लेट सोई थी ना, इसलिए आज लेट उठी हूँ। आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं बेटा, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, तुम कर लो। खाला उमेर भाई को तो बुलाएं, आपको पता है वो मेरे बगैर नाश्ता नहीं करते, जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भूल जाओ वो दिन जब तुम्हारे भैया तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं किया करते थे, अब तो वो अपनी बेगम के साथ नाश्ता करेंगे, बल्कि वो तो नाश्ता करके जा भी चुका है। अच्छा तो फिर आप समाहिर भाभी को बुलाएं ना, उनकी अम्मी और बहन आई है। बुलवा दें, इसे क्या मतलब है, तुम्हारे सामने बैठी है नजर नहीं आ रही? हैं? ये सुमाहिर भाभी है? क्या हुआ, एक ही रात में भूल गई? यार ये तो मतलब पहचान ही नहीं जा रही है कम मेकअप में, अजीब सी लग रही है। ब्राइडल मेकअप ने तो उनको बिल्कुल ही बदल दिया था। वाह भाई, अरे बच्ची है, बेवकूफ है, सोचे समझे बगैर बोल देती है। आप चाय लीजिए ना बेटा, तुम कुछ लो ना। एक्चुअली शिफा को मैंने बहुत प्यार से रखा है, कभी किसी बात पे डांटा नहीं, शायद इसलिए वो थोड़ी
फट हो गई है। आज सुबह जो कुछ उसने तुम्हें कहा उस पर मैंने उसे डांटा है। तुम प्लीज उसकी किसी बात का बुरा मत मनाना। उमेर, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। सरवत खाला ने तुम्हें बता दिया, वरना मैं तो तुम्हें पता भी नहीं चलने देते। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कहोगी तो अच्छा लगेगा। हमारे माँ बाप का इंतकाल तो बहुत साल पहले हो गया था, ये तुम जानती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि शिफा को तकरीबन मैंने ही पाला है। मैं उसे बहन नहीं बेटी समझता हूं, और बेटी समझने के बावजूद मैं ये जानता हूं कि मैं उसकी जिंदगी में मां की कमी पूरी नहीं कर सका। समाहर, मैं चाहता हूं ये कमी तुम पूरी करो। शिफा दिल की बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे जरा सी मोहब्बत दोगी तो वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। मैं, तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं शिफा को अपना गुलाम बना के रखूं? मैं तो उसे अपना दोस्त बना के रखना चाहती हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, जितनी वो तुम्हारे लिए अहम है उतनी मेरे लिए भी है, क्योंकि तुमसे जुड़ा हर रिश्ता जो अहमियत तुम्हारे लिए रखता है वो मेरे लिए भी अपनी रखता है। मैं तुम्हें सिर्फ अच्छी बीवी ही नहीं, अच्छी भाभी भी बन के दिखाऊंगी। तुम देखना, मेरा और शिफा का रिश्ता मिसाली नंद भाभी का रिश्ता होगा।